विद्यालयों के भैया बहनों द्वारा राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम का प्रतियोगात्मक कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि सागर तहसील के तहसीलदार अभिषेक राय जी उपस्थित करें। मैं उनका एक बार स्वागत और अभिनंदन करें और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सांसद प्रतिनिधि विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजीत प्रजापति जी भी मौजूद है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती गीता जायसवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस नगर पालिका के स्वच्छ कर्मी जो इस नगर को साफ करने का काम करते हैं, मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम को पता होना चाहिए कि भारत का जो भूभाग है वह सबके लिए एक हो गया। हम चाहे कि प्रदेश में जाए उस प्रदेश में रह सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं, वहां अपने मन की बात को बोल सकते हैं। ऐसा संविधान भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था और 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ पंडित नेहरू जी ने लिया था। 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग हिंदुस्तानी इस देश में ही नहीं विश्व में जहां भी रहते हैं इस पर्व को अपना राष्ट्रीय पर्व को मानकर मनाते हैं। आज नगर पालिका परिषद में यहां आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप लोगों को सागर के विकास के बारे में आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम सागर मेन रोड जो विगत एक वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं और निश्चित ही विश्वास करिए मेरा संपूर्ण प्रयास यह रहता है कि यह रोड और नाली जल्द से जल्द मेन रोड की रोड और नाली का निर्माण हो जाए ताकि आपकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो सके। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद सागर द्वारा नगर के तमाम वार्डों में तमाम भी आप हमारे मंच के दाहिनी तरफ इस योजनाओं को देख रहे होंगे। निश्चित ही विश्वास मानिए कि आपने इस बात पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और कुछ बाधाएं विगत वर्षों में रही हैं, आगे आने वाले वर्षों में हम आपसे वादा करते हैं सागर नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बनाकर एक ऐसे नगर और शहर के रूप में विकसित करने का काम नगर पालिका द्वारा किया जाएगा कि आपको भी गर्व होगा, हमें भी गर्व होगा कि हम सागर के रहने वाले हैं। आप जहां भी चर्चा करेंगे आप कहेंगे मैं एक ऐसे सागर नगर में रहता हूं जो पूर्ण रूप से विकसित है, जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगा, जहां कानून का राज होगा। ऐसा करने का प्रयास सागर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि आने वाले वर्षों में नगर पालिका एक ऐसा विकास की
आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। आपने देखा होगा विकास के क्रम में आपके नगर का हृदय स्थल बुढ़वा बाबा जो वर्षों से खंडहर पड़ा हुआ था, उस पोखरे में के चारों तरफ आबादी है। आबादी हो जाने के कारण वह पोखरा वर्ष भर बिना पानी के सूखा रहता था। बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते थे, गाय भैंस वहां चरती थी। लेकिन नगर पालिका ने निर्णय लिया कि सागर बुढ़वा बाबा पोखरे को हम चारों तरफ से सीढ़ी बनवाकर उसमें जल भरेंगे, जिसमें बारह महीना जल रहेगा और एक ऐसा सुंदर पोखरे का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा जिसमें यहाँ की माताएं बहनें शाम को पिकनिक मनाने जाएंगी तो आप निश्चित रूप से सराहना नगर पालिका का करेंगी। तो ऐसी आपने अभी नगर पालिका के बिल्डिंग को देखा होगा, नगर पालिका के बिल्डिंग में प्रथम तल पे एयर कंडीशन हॉल बना दिया गया है जो सागर की जनता को समर्पित कर दिया गया है। उस हॉल का नामकरण आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया है और यह बड़ा ही गौरव का विषय है। आज का दिन यह नगर पालिका का जो सभागार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, एक साल मेन रोड के कारण कष्ट सहा है। आप विश्वास मानिए कि दो चार महीने में जिस दिन मेन रोड बन जाएगा सागर नगर के, चाहे वह जौनपुर रोड हो, चाहे आजमगढ़ रोड हो, चाहे फैजाबाद रोड हो, चाहे सुल्तानपुर रोड हो, चाहे खुटान रोड हो, दोनों सभी सड़कें स्ट्रीट लाइट से इतना सुसज्जित कर दी जाएंगी कि अगर आप आधी रात को भी सड़क से सुई उठाना चाहेंगे तो निश्चय रूप से सागर की में इतना लाइट कर दिया जाएगा कि आपको वह देख कर गर्व महसूस होगा। सागर की यह मंच के पीछे की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, सैकड़ों साल पुरानी है। इस बिल्डिंग को गिराकर नए बिल्डिंग को बनाने का कार्य गीता जायसवाल के कार्यकाल में निश्चित रूप से किया जाएगा। और आप अभी कोतवाली रोड से इस नगर पालिका के अंदर घुसे होंगे तो आपको बहुत ही तकलीफ हुई होगी, यह रोड पूरा दंदल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगले साल जब आप आएंगे तो यह रोड सुंदर चिकना और ऐसा रोड बना दिया जाएगा जिसके बीच में डिवाइडर होगा और डिवाइडर के बीच में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि आप कोतवाली से चले तो रेलवे मालगोदाम आपको ऐसा दिखाई दे कि लगे कि आप लखनऊ और दिल्ली की सड़कों से गुजर रहे हैं। ऐसी सड़क बनाने का काम सागर नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ हो। स्वच्छता की कड़ी में अभी आपने देखा होगा कि सागर नगर में जिस गरीब के घर में शौचालय के घर में शौचालय बनाने का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और आप विश्वास रखिए सागर का कोई भी रहेगा जिसके घर में अपना शौचालय न हो, यह काम जल्द से जल्द पूरे सागर में पूरा करके पूरे सागर नगर को खुले में शौच करने से मुक्त कर दिया जाएगा। वह दिन आपको याद होगा जब घर की माताएं बहने खुले में शौच करने के लिए मजबूर होती थी, उनकी इज्जत का के साथ खिलवाड़ होता था। इस कष्ट को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और उसी का परिणाम है कि आज सागर में आप विश्वास करिए लगभग 1000 शौचालय घर घर में बनवाने का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। एक बात और, प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, इस सागर में 2022 तक कोई भी कच्चा मकान
माताएं बहने यहाँ खड़ी हैं, आप लोग सुन लीजिए। नगर का कोई भी गरीब हो, जो करकट में रहता हो, मनई में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो, और नगर पालिका में एप्लीकेशन दे, 2022 तक क्रमवार बारी बारी से सबका मकान पक्का कर दिया जाएगा। और इस नगर को 2022 के पूर्व 24 घंटे बिजली दिलवाने का काम हमारी सरकार द्वारा करने का निर्णय भी लिया गया है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि टीवी के माध्यम से तमाम विकास योजनाएं, आपने जैसे रामलीला मैदान में एक पार्क है तुलसी उद्यान, वहाँ एक डीलक्स शौचालय नगर पालिका द्वारा बनवाया गया है। पुरानी बाजार में अम्बेडकर नगर विद्यालय, जो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे, उस विद्यालय की यह दुर्दशा थी कि वहाँ 10-20 विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। आज नगर पालिका ने उस विद्यालय को इतना सुंदर कर दिया है कि आज उस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए हमारे सभासद और चेयरमैन के यहाँ सोर्स लगा रहे हैं लोग कि हमारे बच्चों का भी एडमिशन उस विद्यालय में करवा दिया जाए। ऐसी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा आपके लिए किया जा रहा है। यह आपकी सरकार है, आपकी नगर पालिका है, आपके लिए है। नगर पालिका की अध्यक्ष गीता जायसवाल आपकी सेवक है, चेयरमैन नहीं है। जब तक इस सागर नगर को समस्त क्षेत्रों में इसका चौमुखी विकास नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारे बोर्ड, हमारे सभासद, हमारी चेयरमैन चैन से नहीं बैठेंगी। तो आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, टीवी के माध्यम से जो हमारे विकास कार्य हुए हैं उसको आप लोगों को बार बार दिखाया जा रहा है, और आने वाले वर्षों में आप विश्वास करिएगा कि सागर विकास के मामले में चौमुखी विकास करेगा। यहाँ ना सड़क की समस्या रहेगी, ना बिजली, ना नाली, और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गांधी जी के सपनों का भारत, इस भारत को बनाना है। गांधी जी के सपनों का भारत तब बनेगा जब यहाँ माताएं बहने या निश्चय करके या प्रतिज्ञा लेकर जाएंगी कि हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने दरवाजे को स्वच्छ रखेंगे, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और अपने सागंज को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देंगे। नगर पालिका आपके घर में, आपके घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का व्यवस्था बना रही है। पिछले साल मैंने कहा था कि आपके घरों में से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, हमारे कर्मचारी सफाई कर्मी आपके घर जाएंगे और आपसे घर से कूड़ा उठाएंगे और आपको अपने घर का कूड़ा अपने दरवाजे पे फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था सागर नगर पालिका द्वारा की जा रही है। आप लोग जानते हैं सागर में कोई नदी नहीं है, यहाँ नदी ना होने के कारण नालियों का जल कहाँ जाए इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सागर नगर पालिका ने जल निकासी के लिए तमाम नालों को का निर्माण करवा रही है, जिससे कभी भी सागर में कितनी भी बारिश होगी सागर नगर में जल भराव नहीं होगा, ऐसा हमें विश्वास है। इसी व्यवस्था सागर नगर पालिका द्वारा की जा रही है। इसी के साथ मैं, चूंकि कार्यक्रम अभी और शेष रह गया है, सागर नगर पालिका का दायित्व को सागर नगर पालिका को का अपना दायित्व समझते हुए इस नगर के तमाम क्षेत्रों में सफाई के साथ साथ शिक्षा, सांस्कृतिक और समाज सेवा में तमाम लोग लगे हुए हैं, उनको भी सम्मान देने का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि हम नगर पालिका के द्वारा सागर के पंच रत्नों को पुरस्कार देते हैं। इस साल भी
हमारी कमेटी द्वारा पंच रत्नों का नाम निश्चय किया गया है। मैं रवि जी से कहूंगा, रवि जी कहाँ है? रवि जी से कहूंगा अतीत को मंच पर बुलाएं और उनका स्वागत करते हुए हमारे पंच रत्नों को सम्मान देने का काम करें और स्वच्छता के संबंध में जो विद्यालय में निबंध करवाया गया था नगर पालिका द्वारा उसका पुरस्कार का वितरण हमारे मुख्य अतिथि द्वारा जल्द से जल्द करवाने का काम करें। मैं निवेदन करूंगा जल्दी से बुलाइए मुख्य अतिथि। ऐसी शख्सियत को चुना है जिन्हें मंच पे आप यहाँ पे सम्मानित करेंगे। मैं सर्वप्रथम मंच पे विभिन्न क्षेत्र से जिन्हें चेयरमैन साहब ने चुना है मैं उन्हें मंच पे बुलाने से पहले उनका संक्षिप्त बायोडाटा एक छोटा सा उनका बायोग्राफी रखना चाहूंगा। संस्था जेसीआई साहब एनसीपी के एक्टिव मेंबर रहे। आप वर्ष 1968 से लगातार सेंटेक्स विभाग का काम आपने देखा है और आज तक आप सेंटेक्स विभाग का काम देख रहे हैं। आपके तीन सौभाग्यशाली पुत्र हैं और तीन छह सौभाग्यशाली पुत्रियों के आप पिता हैं। सबसे बड़े पुत्र संतोष कुमार जायसवाल जी इस समय सेंटेक्स विभाग में वकील हैं और मझले पुत्र पवन इस समय व्यवसाय अपना देख रहे हैं और छोटे पुत्र को उन्होंने एलएलबी कराया है और एलएलबी कर चुके हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी शख्सियत का जोरदार तालियों से स्वागत करें, माननीय से स्वागत किया जाए। बहुत उन्होंने अपनी सेवाएं समाज में दी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है। निश्चित रूप से हमारे चेयरमैन साहब ने इन्हें आज जो चयन किया है वो वास्तव में उसके योग्य है। एक बार हम दूसरे क्रम में मैं व्यवसाय के क्षेत्र में जिन्हें चुना गया है व्यवसाय के क्षेत्र में मैं उनका छोटा सा संक्षिप्त विवरण आपके बीच में रखना चाहूंगा। आपने मानव समिति जो कि एक व्यवसाय क्षेत्र में पंचरत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे शख्स के लिए बनता है। हमारे माननीय तहसीलदार साहब द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, चेयरमैन साहब द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, श्री अशोक अग्रहरी चाचा जी निश्चित रूप से आपने आपका योगदान अतुलनीय योगदान रहा है समाज में। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में दे दिया, 4-6-10 बच्चियां थी और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपके दो सौभाग्यशाली पुत्र हैं आपके। बड़ा बेटा बॉम्बे में उद्योगपति है और दूसरा बेटा लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है। ऐसे होनहार बच्चों को आपने जन्म दिया है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में दिया और अपने बच्चों को इस लायक पढ़ाया कि उनके बच्चे भी निश्चित रूप से आज हम सबके लिए हम लोगों के लिए है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा चिकित्सा के क्षेत्र में आपने वर्ष 1982 से लगातार जनता की सेवा की है और जब तक इनके शरीर में जान है इन्होंने प्राण लिया है मैं तब तक सेवा करता रहूंगा। सर एक ही एक रत्न के सम्मान का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतिभागी विद्यालय के
जो दो विद्यालयों का कार्यक्रम बाकी रह गया है उनका कार्यक्रम होना है, तीन विद्यालय का कार्यक्रम बाकी है। हम प्रशंसा करते हैं यहाँ पर उपस्थित दर्शकों का, जिन्होंने इस खराब मौसम के बाद भी, अभी दो प्रोग्राम के बाद बहुत से बच्चों का भी प्रोग्राम बाकी है। मैं निवेदन करूँगा मंच पर उपस्थित लोगों से, कृपया शीघ्रता करें बच्चे। सामने अरे हम मोदी जी माला को बड़ा खत्म के यहां पर हमारी तरफ आवी साहब है उन्होंने हेलो लगा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे तालियां बजाइए बहुत उत्साह के साथ आप लोग गुजर रहे हैं अच्छे प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। Thank you.
विशेष स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने इस बार प्रियांशी जायसवाल जी। तालियां बजाइए, तालियां स्वागत करिए बच्चों का। प्रियांशी जायसवाल जी का प्रोग्राम बस गुड़िया सभी लोग आ जाए। पीछे चेयर्स लगाने की व्यवस्था नगर पालिका के कर्मचारियों से निवेदन करें। मंच पर चेयर्स की व्यवस्था तत्काल कीजिए। मन मोलिया रे इसका दीवाना हुआ है अब, हो इसका दीवाना हुआ है अब। कान रसिया रे इसका दीवाना हुआ है अब, कान रसिया रे तेरे रूप में तू मेरा आए मन मोलिया। गप्पू भैया मंच पर 10 चेयर भिजवाइए, 10 चेयर पुरस्कार वितरण के लिए 10 चेयर तुरंत। मेरे वतन के लोग
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ वीर वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे पड़ी आ जानी। जब तक थे सांस लड़े वो जब तक थे सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में बूझे रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपनी थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जितने विद्यालय प्रतिभागी थे उनके प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य प्रति से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आएं। जितने विद्यालय के प्रधानाचार्य उनके प्रति यहाँ उपस्थित हैं कृपया मंच पर आ जाएं। बहुत अच्छा। जो शहीद हुए हैं
उनको याद करके आंखों में आंसू तो जरूर भरिए, लेकिन नया भी याद रखिए कि कोई अपनी प्राणों की बलि जो देता है, जो शहीद होता है, उसकी त्याग और तपस्या को अगर दिल से विचार करिएगा तब उसकी शहादत आपको समझ में आएगी कि हमें आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। बहुत ही त्याग और बलिदान के बाद सैकड़ों वर्षों के आंदोलन के बाद आजादी मिली है, तब जाकर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर उस शहादत को याद करते हुए इस देश के अच्छे नागरिक बनने का काम करें, ईमानदारी से भ्रष्टाचार और तमाम बुराइयों को खत्म करने का आप प्रतिज्ञा लें। इन्हीं सब बातों के साथ संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुरस्कार वितरण जल्द से जल्द करावे। बच्चे सुबह से बहुत देर हो चुकी है, आप अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कराओ। प्रियांशी जायसवाल प्रजापति जी से निवेदन करता कि माननीय अतिथि जी को भी लेकर मंच पर आए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय तहसीलदार साहब अभिषेक राय जी, आप पुरस्कार वितरण करने के लिए मंच पर आवे। आज के काली विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर सेंट थॉमस इंटर कॉलेज आदर्श शांति शिक्षण संस्थान सेंट जॉन सम्राट गायत्री शिक्षण संस्थान, अच्छा गायत्री शिक्षण संस्थान, इस प्रतियोगिता में चूंकि पहले से रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए उनको इस प्रतियोगिता में नहीं रखा गया था। विशेष प्रोग्राम में उनको प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया था, तो पुरस्कार की कड़ी में अब वह क्षण नजदीक आ गया है। पुरस्कार का नंबर देने के लिए जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया है और उस निर्णय के आधार पर मैं जूनियर वर्ग प्राथमिक वर्ग क्लास वन से लेकर आचार्य जी जूनियर में क्लास आठ तक है, जूनियर वर्ग में कक्षा छह से लेकर आठ तक के विद्यार्थी प्रतिभाग किए थे, जिसमें आज के कार्यक्रम में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का नाम मैं लेना चाह रहा हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में जिस विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राथमिक वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनके लिए जोरदार तालियां निश्चित बजाइएगा। उस विद्यालय का नाम है आदर्श शिक्षा शिक्षण संस्थान, उसके प्रधानाचार्य अगर यहाँ मौजूद हो तो मंच पर आ जाए। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालय का नाम सेंट थॉमस इंटर कॉलेज, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। प्राथमिक वर्ग में सेंट थॉमस इंटर कॉलेज के बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुति दिया, निर्णायक दल ने उनको तृतीय स्थान दिया है, इनके लिए दोबारा जोरदार तालियां बजाइए। उनके प्रधानाचार्य यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन तालियों की गूंज
उनके कान तक सुनाई देनी चाहिए, ऐसी ताली होनी चाहिए। और आज के प्राथमिक वर्ग के विजेता जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूं, मैं आप लोगों से अनुरोध कर तालियों में कंजूसी नहीं करिएगा। और प्रथम विजेता है सरस्वती शिशु मंदिर, और उसके प्रधानाचार्य इस समय मौजूद है, हमारे बड़े भाई विजय शंकर पांडे जी। आपसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि द्वारा आप प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त करें और अपने बच्चों का शील्ड भी साथ में। इस बार आयोजन कमेटी ने यह तय किया था कि जितने भी बच्चे पूरे कार्यक्रम में सातों विद्यालय के जितने भी बच्चे प्रतिभागी थे उनको नगर पालिका ने समस्त बच्चों को शील्ड देने का प्रस्ताव रखा था, जिसका शील्ड उनके प्रधानाचार्य को दे दिया गया है। और साथ ही प्रशस्ति पत्र भी प्रतिभागी बच्चों का प्रधानाचार्य को दे दिया गया है। अब सीनियर वर्ग की बारी आ गई है। हमारे निर्णायक लोगों में सीनियर वर्ग में माध्यमिक वर्ग कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग किए थे, जिसमें निर्णायक दल का जो निर्णय आया है 6 से 12 माध्यमिक पर तिथि पुरस्कार जो निर्णायक दल ने दिया है, उद्यान एकेडमी जोरदार तालियां। माध्यमिक वर्ग में तिथि पुरस्कार उद्यान एकेडमी को मिला है। मैं समझता हूं कि उद्यान एकेडमी के शिक्षक अभिभावक पंडित फीतू राम यादव जी पुरस्कार ग्रहण करें। और प्रतिभागी बच्चों का भी शील्ड आपको मिल चुका है। सीनियर और माध्यमिक वर्ग का द्वितीय पुरस्कार सेंट जॉन्स स्कूल सम्राट को दिया गया। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनके क्योंकि विद्यालय इनका दूर है, इनके टीचर और बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, उनका पुरस्कार इनका पुरस्कार इनके विद्यालय में कल पहुंचा दिया जाएगा। अब बारी आ गई है माध्यमिक वर्ग के प्रथम विजेता का, और बड़े खुशी की बात है कि इस नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर ने माध्यमिक वर्ग में प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इनके अध्यापक और इनके अभिभावक, जो कि ऐसे होनहार बच्चों को शिशु मंदिर में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ऐसे होनहार विद्यालय के होनहार बच्चों को नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे विद्यालय में पढ़ने का काम कर रहे हैं। रवि जी,
कि हम अपने घर और अपने को किस तरह स्वच्छ रखें, इस पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में कराया जाए। उसी क्रम में नगर पालिका ने सेंट थॉमस इंटर कॉलेज और पालिका इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन नगर पालिका द्वारा कराया गया था। लिखित परीक्षा थी जिसमें निबंध प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग सेंट थॉमस इंटर कॉलेज तिथि पुरस्कार विजेता अनुराग सिंह है 11B, अगर वो हो यहाँ पर तो अपना पुरस्कार आकर मुकाशिम के द्वारा ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई अनुराग जी, आपने स्वच्छ भारत मोदी जी के सपनों को, गांधी जी के सपनों को किस प्रकार साकार करना है इस विषय पर निबंध लिखा था जिसमें आपको तृतीय पुरस्कार मिला है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार में या मैसेज देने का या संदेश देने का काम करेंगे कि इस समाज में अगर इस देश को विकास करना है तो पहले अपने अंदर अपने घर की सफाई, अपनी सफाई करना अनिवार्य है। सीनियर वर्ग और झील तो भाई आनंद झील लाओ। हाँ अच्छा, सीनियर राउंड में तृतीय पुरस्कार कुमारी सबीना 11B तृतीय पुरस्कार प्राप्त की है जो कि सेंट थॉमस इंटर कॉलेज की है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और प्रथम पुरस्कार ऋतिक राव 11A प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं सेंट थॉमस में, के आप भी छात्र हैं, आप भी आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और जूनियर वर्ग में निबंध लेखन प्रतियोगिता में जो पुरस्कार सेंट थॉमस के बच्चों को मिला है, देव कुमार सिंह 6A, कुमारी रोशनी अग्रारी 6A द्वितीय पुरस्कार, देव कुमार सिंह तृतीय पुरस्कार और कुमारी सौम्या सिंह 8B प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और ये ऋतिक राव 11A प्रथम पुरस्कार सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, पालिका इंटर कॉलेज में भी है ऐश्वर्य सोनी 10A प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इन तीनों प्रतिभागियों को नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? सुभ्रा केसरवानी 9A आपने तृतीय पुरस्कार सीनियर वर्ग में प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। तृतीय पुरस्कार सुभ्रा केसरवानी क्या जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों से सुभ्रा केसरवानी का उत्साह वर्धन करें। ऐश्वर्या सोनी जिन्होंने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है, ऐश्वर्या सोनी शायद मंच पे उपस्थित हैं, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नीचे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ऐश्वर्या सोनी द्वारा। ये सीनियर वर्ग में इन्होंने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है, सीनियर वर्ग में ऐश्वर्या सोनी ने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है। इसके बाद मैं नाम बुलाऊंगा दिशा गुप्ता, द्वितीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है
सीनियर वर्ग में दिशा गुप्ता, अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो दिशा गुप्ता यहाँ आ जाए। दिशा का सर्टिफिकेट, अर्चिता यादव इन्होंने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है, अगर वो आवाज सुन रही है हमारी तो कृपया तत्काल मंच पे आ जाए। प्रियांशी यादव इन्होंने द्वितीय पुरस्कार अर्जित किया है, कृपया जल्दी से जल्दी मंच पे आ जाए। प्रियांशी यादव, उसके बाद शादिया तृतीय पुरस्कार, ये तीनों बच्चियां शायद यहां पे नहीं है, इनका सर्टिफिकेट और अवार्ड इनके स्कूल तक पहुंचा दिया जाएगा। उत्साहवर्धन होता रहा, सभी प्रधानाचार्य को नगर पालिका परिषद सहागंज द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कुल 7 विद्यालय और गायक स्थान, अगर उनके भी अध्यापक तो मंच पर आए। उदयन एकेडमी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, सेंट थॉमस आदर्श शांति शिक्षण संस्थान, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम, सेंट जॉन सबरहर और गायत्री शिक्षण संस्थान, मैं उपस्थित अनिल मदनवाल जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर 2 मिनट के लिए आ जाए। अनिल मदनवाल जी, आप सभागार में उपस्थित हैं। और प्रदीप जायसवाल जी द्वारा कुशल संचालन हेतु साल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। अनिल मदनवाल जी आप भी उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा संचालन, कई वर्षों से नगर पालिका के कार्यक्रम में आपका सहयोग रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को जोड़ने का काम आपका रहता है। मैं नगर पालिका अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगा, पहली बार जब परीक्षा हो रही थी तब भी उनको समाज के लोग, विद्यालय के अध्यापक, गार्जियन, बच्चों को इतना जो है धमका दे रहे हैं, हिंसा दे रहे हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा भय जाते हैं। इसको जो है दूर करने का आप लोग काम करेंगे, ये आप सभी अभिभावक बंधुओं से निवेदन है विद्यालय के यहाँ पर। और हम आपके सामने एक गीत गाने जा रहे हैं। मेरा मेरा
नगर पालिका के कैमरा वाले एक जोरदार ताली के लिए हमारे लगने वाले हैं इलाहाबाद मुगराबाद शाहपुर बॉर्डर के और आप हमारे नगर पालिका में सेवा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे नगर पालिका के सभासद जो मंच पर मौजूद हैं हमारे अधिशासी अधिकारी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। नगर पालिका के समस्त सभासद हमारे ईओ साहब का स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण करके स्वागत करें। कैमरा वाले हमारे ईओ साहब को हमारे सभासद लोग स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। ईओ साहब जहां कहीं भी रहेंगे मुझे विश्वास है निश्चित ही सागर को, सागर के नगर पालिका को, यहाँ के सभासदों को और यहाँ के चेयरमैन को अपनी स्मृतियों में जरूर रखेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। श्रीमान ईओ साहब हमारे नगर पालिका इस नगर के विकास के लिए कागज पर लेखा चित्र बनाती हैं, बजट बनाती हैं, तब जाकर इस नगर का विकास होता है। सभासद और चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं कि उनको भी स्मृति चिन्ह देकर गौरवान्वित करने का काम करें। स्मृति चिन्ह दीजिए जय साहब जहां भी रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बहुत सुनहरा पल है, ये पल फिर एक साल बाद ही देखने को मिलेगा। जेई मैम पूरी तरीके से मालों से और फूलों से गदगद है। स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है सदैव। हेलो, मुझे विश्वास है कि हमारे ईओ साहब और जेई साहब जब तक सागर में रहेंगे दिल से इस नगर का के विकास, सभासदों को, चेयरमैन को, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ की जनता को याद करते रहेंगे। सागर नगर के सभी पुष्प अर्पित किया जा रहा है, गुलाब का फूल दिया जा रहा है। नरेश जी, उमेश जी हैं और ये प्रकाश अग्रहरी जी कृष्णकांत जी अलीम भाई को निश्चित रूप से आज का ये शानदार कार्यक्रम इतनी बाधाओं के बाद भी शानदार तरीके से सफलतम। सुनील जी नहीं है, स्वस्थ थे चले गए। रमेश चौरसिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं और अध्यक्ष श्रीमती गीता जायसवाल जी से अनुरोध करता हूं कि सर्वेश चौरसिया को सफल आयोजन में जो इनका अमूल्य योगदान था उसके लिए माल्यार्पण कर और पुष्प देकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। प्रियांशी जायसवाल बहुत अच्छी बच्ची है। अध्यक्ष महोदय पुष्प देकर उनके इस अतुलनीय परिश्रम का फल रहा कि आज यह
कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उसी कड़ी में रवि कांत जायसवाल जी, आनंद मोदनवाल जी, आप आनंद मोदनवाल जी, आप दोनों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष श्रीमती गीता जायसवाल जी, रवि कांत जायसवाल और आनंद मोदनवाल जी का भी पुष्प देकर स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, व्यापार मंडल, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी अनिल मोदनवाल जी का अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करें। रवि कांत जायसवाल और आनंद मोदनवाल जी को अध्यक्ष जी रवि कांत जायसवाल, रवि कांत जायसवाल जी का हमारे विशिष्ट अतिथि अजीत प्रजापति जी माल्य अर्पण कर स्वागत करें और अध्यक्ष जी इनको फूल देकर सम्मानित करने का काम करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन्होंने बहुत बहुत अपना अथक परिश्रम और समय दिया और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा ताकि यह कार्यक्रम इन्हीं के परिश्रम की वजह से सफल हुआ है। और आनंद आनंद मोदनवाल जी का भी, आनंद जी का कल्याण पढ़कर स्वागत करें। आनंद जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार महीनों से लगे हुए थे। मैं नगर पालिका की तरफ से इनकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनको इनका स्वागत करता हूं कि इसी तरह आपका सहयोग नगर पालिका को मिलता रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी से चलकर आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के ऊपर रहता है, ऐसे मोनू तिवारी जी, अजीत प्रजापति जी स्वागत की कड़ी में एक ऐसा नाम दीपक सिंह जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं और अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इनके कामों में सहयोग करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या जो टीवी का प्रोग्राम चल रहा था, जितने भी विकास कार्य की योजनाएं नगर पालिका द्वारा चलाई गई थी, उसकी डॉक्यूमेंट्री इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नगर पालिका आपका स्वागत अभिनंदन करती है। दीपक जी, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे रखकर इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से संपन्न कराया। मैं उनका भी बिना नाम लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में आप सभी के सम्मान में दो पंक्तियाँ शेयर करना चाहती हूँ। जीतेंगे हम ये वादा करिए, कोशिश हमेशा ज्यादा करिए, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा कीजिए। जय